टाइम पर हैं, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, इन सारे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटर इन पाइथन, ऐसे ऑपरेटर्स तो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में होते हैं, लेकिन पाइथन में भी जो जो कुछ स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स भी पाइथन में होते हैं जो कि और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होते। चलिए पढ़ते हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। इसमें आज हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे पाइथन डिफिनीशन और डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर। सबसे पहले ऑपरेटर को डिफाइन करेंगे, उसके बाद दूसरा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे व्हाई ऑपरेटर इज यूज, ऑपरेटर को हम लोग क्यों यूज करते हैं, ऑपरेटर का क्या यूज है, हम लोग क्यों यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कितने प्रकार के हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर कितने प्रकार के हैं, ये सारी चीज़ के बारे में डिस्कस करें, और अंत में हम लोग प्रोग्राम बना के देखेंगे क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग ऑपरेटर का डेफिनेशन से। चलिए डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर देखते हैं। ऑपरेटर इज जनरल आर यूज टू परफॉर्म, ऑपरेटर एक जनरल चीज़ है जो कि हम लोग परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन के लिए, यानी कोई भी काम को करने के लिए। वैल्यूज एंड वेरिएबल इन पाइथन, वैल्यूज एंड वेरिएबल का जो ऑपरेशन होता है या वैल्यू एंड वेरिएबल का जो काम करते हैं उसके लिए हम लोग ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर एक स्टैंडर्ड टाइप का सिंबल्स होता है, ऑपरेटर एक स्टैंडर्ड टाइप का सिंबल होता है जो जिसको कि स्पेशल पर्पस वर्क के लिए कहा जाता है। जैसे सपोज लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, इन सारे ऑपरेशंस के लिए हम लोग ऑपरेटर का यूज करते हैं। एक एग्जांपल्स हम यहाँ देखते हैं 4 + 5, ये जो 4 है और ये जो 5 है, फोर एंड फाइव जो है आपका 4 और 5 जो है यहाँ ऑपरेंड्स और प्लस ऑपरेटर है, ये प्लस ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यह ऑपरेंड और ऑपरेटर का ये है। अब हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ ए एक्सप्रेशन होगा, ए प्लस बी, ये जो ए प्लस बी टोटल है, ये a प्लस बी जो है, ये a प्लस बी जो टोटल चीज़ है इसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं, एक्सप्रेशन। ठीक है, ऑपरेटर में एक्सप्रेशन भी होता है। ठीक है, और a और b को हम लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं। ऑपरेंड्स कहने का मतलब क्या है, जिसको जो ऑपरेटर के थ्रू यूज होता है, जिसके मदद से हम लोग कुछ यूज करते हैं, ऑपरेटर ऑपरेंड्स ऑपरेटर का यूज कर सकता है। और ये प्लस जो है बीच में सिंबल, हम क्या बोले, स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल, कुछ स्पेशल वर्ड, स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल जो यहाँ प्लस दिया हुआ है, ये जो प्लस का साइन है इसकी को हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं, इसी प्लस के साइन को हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑपरेंड्स और ऑपरेटर पूरे ए प्लस बी पूरे को एक्सप्रेशन बोलते हैं, उसमें ए और बी को ऑपरेंड्स बोलते हैं और प्लस को ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब है एक, ठीक है, समझ गए होंगे इसको अच्छे से। अब आते हैं व्हाई ऑपरेटर इज यूज, ऑपरेटर का हम लोग क्यों यूज करते हैं, ऑपरेटर का, द ऑपरेटर मॉडल एक्सपोर्ट अ सेट ऑफ स्कोर्स, ऑपरेटर को हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक सेट ऑफ फंक्शन होता है जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है, जिसको कि एक सिंपलिस्ट ढंग से यूज करवा सकते हैं, इसीलिए हम लोग ऑपरेटर का यूज करते हैं। ऐसे ऑपरेटर प्लस एड एक्स वाई, ऑपरेटर प्लस एड एक्स वाई लिखेंगे, ऑपरेटर पॉइंट एड एक्स वाई लिखेंगे, तब क्या कहता है, ये हमको एक्स और वाई को ऐड करेगा। अगर हम इसी को एक्स प्लस वाई लिख दिए तो ये सेम हो गया, ऑपरेटर पॉइंट डॉट एड एक्स वाई एक्स प्लस वाई के सेम हो गया। अगर हम ऑपरेटर का यूज नहीं करें, तो इतना बड़ा हम लोग को फंक्शन को लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा एक्सप्रेशन को हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वही हम लोग ऑपरेटर का यूज करेंगे तो ये छोटा सा एक्सप्रेशन से ही x प्लस वाई से ही काम चल जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऑपरेटर का यूज करते हैं।
ऑपरेटर का जब भी यूज करते हैं तब पर भी हम लोग डबल विदाउट डबल अंडर स्कोर या अंडर स्कोर कोमा हम लोग नहीं देते हैं ऑपरेटर का यूज करने में। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर का कितना टाइप्स है। ऑपरेटर अर्थमैटिक ऑपरेटर आता है। सबसे पहले अर्थमैटिक ऑपरेटर आता है। अब ये समझिए अर्थमैटिक ऑपरेटर होता क्यों। अर्थमैटिक ऑपरेटर अर्थमैटिकल ऑपरेशन, जितना भी अर्थमैटिकल ऑपरेशन होता है, जो भी अर्थमैटिकल यानी प्लस माइनस इंटू डिवीजन, जो भी अर्थमैटिकल ऑपरेशन हुआ उन सब के लिए हम लोग अर्थमैटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। कंपैरिजन यानी रिलेशनल ऑपरेटर, किसी एक दूसरे से कंपैरिजन करने के लिए हम लोग रिलेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। कंपैरिजन यानी इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इन सारी चीज को यूज करने के लिए हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का क्यों यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का हम लोग इसलिए यूज करते हैं, लॉजिक, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर का लॉजिक क्या हो गया, लॉजिकल एंड नॉट गेट के यूज करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब आता है उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का क्यों एंड और नॉट को यूज करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर को हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, जिसको कि हम लोग बतला ही दें रिलेशन चीज को चेक करना। असाइनमेंट ऑपरेटर उसके बाद आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर नेम सजेस्ट असाइन, किसी भी वैल्यू को असाइन करवाने के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे इक्वल टू, प्लस, इक्वल टू, इस ये सारे चीज को वैल्यू को किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे प्लस इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इन सारे चीज को यूज करने के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में आ गया, जैसे किसी लॉजिकल चीज यानी एंड और नॉट को यूज करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद आ गया आपका बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर में हम लोग को आता है बिट वाइज, और बिट वाइज ऑपरेटर में बिट लेवल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे बिट वाइज एंड गेट, बिट वाइज और गेट, बिट वाइज नॉर गेट, ये सारे चीज को यूज करने के लिए हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। इन और मेंबरशिप ऑपरेटर, एक ये नया ऑपरेटर आया है इसमें, जैसे इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, ये नया ऑपरेटर है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर जो है किसी भी टू टाइप्स पाइथन के लिए सपोर्ट्स करने के लिए मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। क्या मेंबरशिप ऑपरेटर हुआ, इन एंड नॉट इन, इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर को हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर करते हैं। इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर, यानी इन भी होगा और नॉट इन, दोनों में मेंबरशिप ऑपरेटर का हम लोग यूज करेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर मतलब जो आइडेंटिटी बतलावे, जिस जो ऑपरेटर आइडेंटिटी बतलावे उसी को हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर करेंगे। इच ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू, इच ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, यानी ये प्रोग्राम ट्रू है तो आइडेंटिटी ट्रू बतलाएगा। उसके बाद इसमें इच नॉट ऑपरेटर रिटर्न ट्रू, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये आइडेंटिटी, अगर कोई आइडेंटिटी बदलाव है तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में जब हम आएंगे तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, आपका ऑपरेटर कितने, ऑपरेटर के टाइप्स के बारे, ऑपरेटर का जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर और बिट लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे पूरे डिटेल, इन डिटेल में अर्थमेटिक ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के इन डिटेल नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो
लाइक बटन दबाएं और वीडियो कंटेंट को लेटेस्ट वीडियो के लेटेस्ट